नमस्कार प्रिय साथियों, मैं गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके घर में कौन कौन सी ऐसी बेकार की वस्तुएं होती हैं जिनकी उपस्थिति से आपका चलता चलता कारोबार रुक जाता है, घर में लगातार पैसे की तंगी रहती है और व्यापारी भाइयों को तो बहुत बड़े स्तर पर दिक्कत होती है। साथियों, घर में जो खंडित वस्तुएं हैं वह हमेशा ही घर की तरक्की को, आपके व्यवसाय को बाधित करती है। तो कुल मिलाकर के 10 ऐसी वस्तुओं के बारे में आपको बताऊंगा जिनको आपके घर से आपको तुरंत ही हटा देना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, यदि आप ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या आप अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपके घर में जितनी भी खंडित वस्तुएं हैं, टूटी फूटी जो भी चीज़ है एक्स वाई जेड, या तो उसको रिप्लेस करो या उसको अपने घर से बाहर फेंक दो, कबाड़ी को दे दो, किसी और को दे दो। मेज़ है, कुर्सी है, टेलीविज़न है, कोई भी मशीनरी या कोई भी घर में जो यूज़ होने वाली चीज़ है, अगर वह टूटी फूटी है और लंबे समय से खंडित है तो इसका प्रभाव आपकी आमदनी पर, आपकी इनकम पर सीधा सीधा पड़ेगा। आपका चलता हुआ काम अचानक से रुक जाएगा, आपका हाथ तंग हो जाएगा। तो खंडित वस्तु को घर में स्थान ना दें। नंबर दो, आपके घर में जो भी यूजलेस वस्तु है, मान लिया कोई चीज़ आपके पास में है, इलेक्ट्रॉनिक है जैसी भी, और आप उसका किसी भी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं करते, वह ठीक ठाक है, टूटी हुई नहीं है, क्लियर है, लेकिन आप उसका प्रयोग अब बिल्कुल भी नहीं करते, लंबे समय से रखी हुई है, तो ऐसी वस्तु के घर में होने से बृहस्पति का दोष बनता है, घर की सुख शांति भंग होती है, साथ ही साथ में पैसे की कमी भी ऐसे परिवारों में लगी रहती है। तो जो चीज़ आपके प्रयोग में नहीं है आप उसको भी या तो बेच दें या किसी को दे दें। साथियों, यदि आपका मकान, आपका भवन खंडित है, टूटा फूटा है, तो जल्दी ही जो भी उसका कोना खराब है, कोई किवाड़ टूटा हुआ है, कोई विंडो टूटी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको आप जितनी जल्दी हो सके ठीक कराएं, क्योंकि भवन के खंडित होने से घर में कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर वास्तु दोष बनता है और वास्तु दोष के बनने से बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं। तो अपने भवन का आप ध्यान रखें, और आपके भवन में वास्तु पुरुष के हिसाब से अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है, किचन या लैट्रिन बाथरूम या अदरवाइज कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गलत बन गई है, तो उसको उसमें आप सुधार करें या वास्तु दोष निवारक यंत्र अपने घर में लगाएं। घर में कभी भी आपको महाभारत का चित्र नहीं लगाना चाहिए। किसी भी प्रकार के हिंसक चित्र जिनमें युद्ध की स्थिति हो, ऐसा चित्र लगाने से देर सवेर घर का जो वातावरण है वह खराब होता है, और यह भी ध्यान आपको रखना चाहिए। साथ ही साथ में नटराज की मूर्ति जिसमें भगवान शंकर तांडव कर रहे हैं, ऐसी मूर्ति भी आपके घर के लिए, आपके व्यापार के लिए शुभ नहीं है। ताजमहल का चित्र, किसी कब्र का चित्र भी आपको घर में नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, कांटेदार वृक्ष या कांटेदार वृक्षों के चित्र भी गृहस्थ को अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, ऐसा करना आपके लिए बेहद अशुभ होता है। समस्त प्रकार के हिंसक जानवर, इस प्रकार के चित्र भी आपको नहीं लगाने चाहिए। और अंत में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, साथियों, बहुत सारे देवताओं की मूर्तियां भी घर में दरिद्रता लाती है, गरीबी लाती है, पैसे की कमी होती है। जो आपकी साधना में, आपके मंदिर में, आपके पूजा स्थल पर मूर्तियां रखी हुई हैं जिनकी आवश्यकता है वह सीमित होनी चाहिए। आप घर में जिस कोने में जाओ वही देवताओं की मूर्तियां मिले, उनकी पूजा ना हो, उनको स्नान ना हो, मंत्र जाप ना हो, धूप बत्ती ना हो, बस रखी हैं, तो अत्यधिक मात्रा में घर में रखी हुई देव मूर्तियां जिनका ध्यान नहीं रखा जाता, जिनका ख्याल नहीं रखा जाता,
वह भी आपके घर में दरिद्रता का एक बड़ा कारण बन सकती हैं। तो आपकी साधना में श्री गणेश जी या अन्य जो आपके इष्ट देवता हैं उनकी मूर्तियाँ या यंत्र आदि हैं तो उनको दैनिक स्नान या धूप बत्ती या मंत्र जाप आदि जो भी आप पूजा करते हैं वह करिएगा, और जो बिल्कुल यूजलेस देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनको श्री गंगा जी में प्रवाहित कर दें या सम्मानपूर्वक किसी मंदिर में आप दे दें। बहुत ज़्यादा देव मूर्तियाँ घर में रखना भी अच्छा नहीं माना जाता। तो मैं कामना करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर बेहद शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक